एलन के स्पेशल सर अब होंगे आपके घर। अब पी पॉइंट पे बात कर रहे हैं। क्यू चार्ज के कारण पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी? के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। सेम फंडा, तो क्यू चार्ज के कारण यहां पर भी कितनी, कंडक्टर के कारण यहां पर कितनी? माइनस के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, ताकि दोनों का मिलाकर नेट कितना हो जाए? जीरो। माइनस साइन इसलिए ताकि डायरेक्शन अपोजिट आ जाए। पक्का? अब पोटेंशियल समझिएगा। पोटेंशियल क्यू चार्ज के कारण पी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना? के क्यू बाई एक्स। नेट पोटेंशियल हर जगह सेम होगा, तो यहां पर जो माइनस क्यू आए थे, माइनस चार्ज डेवलप हुआ, और यहां पर जो प्लस चार्ज डेवलप हुआ, इसका नेट इफेक्ट इंडक्शन का सेंटर पे जीरो हो जाता है। तो सेंटर पे स्फीयर के कारण जीरो, क्यू चार्ज के कारण के क्यू बाई आर। तो जितना सेंटर पे पोटेंशियल होगा उतना ही हर जगह पोटेंशियल होगा, यानी नेट पोटेंशियल तो कितना? के क्यू बाई आर। क्यू स्मॉल क्यू आएगा, के छोटा क्यू बाई आर। तो पी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना सोचिए? नेट इतना है, तो वी नेट इज इक्वल टू के क्यू बाई एक्स प्लस वी कंडक्टर। V नेट कितना? के क्यू बाई आर। वी कंडक्टर, तो V कंडक्टर की जो वैल्यू आएगी, V कंडक्टर बराबर कितना? के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई एक्स। ये कंडक्टर के कारण जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल की इक्वेशन हो जाएगी। सिंपल सा फंडा, नेट पोटेंशियल इंडक्शन का नेट इफेक्ट जीरो करना है तो हमेशा डिस्टेंस कहां से लो? सेंटर से। एलन सर आज ही ज्वाइन करें www.allen.ac.in/allensir।